हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 14 का बिग बिलियन डे सेल में जो है क्या प्राइस रहने वाला है, बिग बिलियन डे सेल जो है कब होने वाली है, कब आप लोगों को जो है बिग बिलियन डे सेल जो है देखने को मिलने वाली है, किन किन कार्ड पर जो है आप लोगों को डिस्काउंट जो है देखने को मिलने वाले हैं, और सबसे पहले आईफोन 14 जो है कैसे परचेज करें लोएस्ट प्राइस में, क्योंकि हर बार जो है प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा जो है अप होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है इन्हीं सभी बातों पर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्मित, आप देख रहे हैं टेक जिक्रोवर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो बात करते हैं हमारी बिग बिलियन डे सेल जो है कब होने वाली है, तो बिग बिलियन डे सेल आप लोगों को जो है देखने को मिलने वाली है या तो सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगी, या फिर आप लोगों को जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है देखने को मिलने वाली है। अगर ज़्यादा चांसेस की बात करें तो आप लोगों को जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है बिग बिलियन डे सेल जो है देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग जो है आईफोन 14 का प्राइस की बात करते हैं तो आईफोन 14 का प्राइस जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग जो है कार्ड डिस्काउंट की बात करते हैं तो कार्ड पे आप लोगों को SBI के बैंक पर और ICICI के कार्ड पर जो है आप लोगों को डिस्काउंट जो है देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों के पास कोई कार्ड नहीं है तो आप लोग जो है उस कार्ड का जो है इंतजाम कर सकते हो। अगर हम लोग जो अपने आईफोन 14 के प्राइस का बात करते हैं तो आईफोन 14 का प्राइस कुछ रहने वाला है बिग बिलियन डे सेल में कुछ 50K के आसपास जो है आप लोगों को ये जो है देखने को मिलने वाला है आईफोन 14। और अगर आप लोग जो है कार्ड डिस्काउंट लगाते हो तो आप लोगों को जो है कुछ देखने को मिलेगा ये 48K या 47K के बीच में आप लोग जो है आईफोन 14 देखने को मिल जाएगा बिग बिलियन डे सेल में। अब बात करते हैं आप लोगों को कैसे जो है अपना ऑर्डर जो है फटाफट प्लेस करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों के पास फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप नहीं है तो आप लोग जो है सबसे पहले अपना प्लस मेंबरशिप जो है परचेज करना है। आप लोगों को अपने कार्ड का डिटेल जो है उसके अंदर पहले से ही फिल कर देना है, और आपका जो एड्रेस है इन सभी चीजों को आप लोगों को जो है पहले से ही फिल कर लेना है। अगर आप लोगों को एक्सचेंज चाहिए तो आप लोगों को जो एक्सचेंज में उसका फोन का EMI नंबर जो है पहले से ही फिल करके रखना है। इन सभी चीजों से आप लोग जो है अपने आईफोन 14 को जो है सबसे पहले परचेज कर पाओगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में जो है प्राइस जो है अप होता रहता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।